नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कस्टमर केयर फ्रॉड के बारे में। आपने ठीक सुना, कस्टमर केयर फ्रॉड, जहां पर आप जाते हैं अपनी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, अपनी समस्या का समाधान करने के लिए। अभी उसी का माध्यम से लुटेरे लोग आपको ठग रहे हैं। अब मैं आपको हाल ही में घटी तीन ऐसी घटनाओं के बारे में बताऊंगा जहां पे कस्टमर केयर हेल्प द्वारा घोटाला हुआ। पहला हमारे साथ में काम करने वाले एक व्यक्ति के साथ में ही ऐसा हुआ। उनके साथ में हुआ कुछ ऐसे कि उनका अमेज़न का प्राइम मेंबरशिप अनजाने में उनसे सब्सक्राइब हो गया, जिसका कि उनको पता नहीं था। तो उन्होंने कस्टमर केयर पे कॉल करने की कोशिश करी, उनको अमेज़न पे कस्टमर केयर नंबर नहीं मिला, तो उन्होंने गूगल से जाकर कस्टमर केयर का नंबर निकाला। अब उनकी किस्मत इतनी ख़राब थी कि वो जिस नंबर पे कॉल किया वही फ्रॉड निकल गया। उन्होंने जब उस नंबर पे कॉल लगाया तो उसने उनको बातों में घुमा करके एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा। उसने कहा कि आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर रिफ़ंड ऐप लिखिए, और रिफ़ंड लिखिए तो वहाँ फंड लिखते हैं तो वहाँ पर एक ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है जिसका कि नाम है एनी डेस्क। उस ऐप के थ्रू आपकी स्क्रीन किसी दूर बैठे आदमी के कंप्यूटर के साथ में शेयर हो सकती है। तो जैसे ही उन्होंने उस ऐप को डाउनलोड किया, उस व्यक्ति ने उनके अकाउंट से 3 ट्रांजेक्शन्स करके लगभग 22,000 रुपये उड़ा दिए। ऐसा ही एक दूसरा केस सुनने में आया जिसमें कि एक औरत ने अपने पति के मोबाइल में मैसेज देखा कि बिजली का बिल पेमेंट करना है, तो उसने SMS पर आए नंबर पे कॉल किया। जब उसने कॉल किया तो दूसरी तरफ से व्यक्ति ने बोला कि वो अडानी इलेक्ट्रिसिटी से बात कर रहा है, और उसने उनको स्टेप फॉलो करने के लिए बोला बिजली का बिल पेमेंट करने के लिए। तो उन्होंने वैसे ही स्टेप फॉलो करना शुरू किया, तो उसने भी उनको उसी तरह की रिमोट एक्सेस ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा, और इस तरह वह भी एक घोटाले का शिकार हो गई। तीसरे केस में भी एक ऑल इंडिया रिटायर्ड ऑफिसर थी, जिन्होंने ऑनलाइन कुछ सामान ऑर्डर किया था, शायद से टॉवेल्स ऑर्डर किए थे जिसका अमाउंट था 1100 रुपये, परंतु किसी टेक्निकल खामी की वजह से उनके अकाउंट से 19,000 रुपये कट गए। इसका उन्होंने कंप्लेन करने के लिए उस गूगल पे जाके कस्टमर केयर नंबर निकाला। फिर उन्होंने जब उस नंबर पे कॉल लगाया तो वह भी उसी तरह की ऐप डाउनलोड करने के लिए उनको बताया कि आप ये ऐप डाउनलोड करो, मैं आपका रिफ़ंड अभी किए देता हूँ, और उनके अकाउंट से 8,00,000 रुपये का घपला हो गया। तो आपको करना क्या है, अगर आपके साथ कुछ इस तरह का ट्रांजैक्शन हो जाता है जिसमें कि आपके कुछ पैसे कट जाते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने जानने वाले किन्हीं 2-3 व्यक्तियों को बताना है जिन पर आपको भरोसा हो। क्योंकि जब आपके साथ ऐसा कुछ घोटाला हो जाता है या आपके बैंक अकाउंट से कुछ ज़्यादा पैसे कट जाते हैं, तो आप पहले ही थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं या घबरा जाते हैं, और ऐसे में जल्दीबाजी में आप कई बार गलत कदम उठा लेते हैं। दूसरा, अगर आपको कस्टमर केयर का सपोर्ट चाहिए, कॉल करना है, तो आप जिस ऐप से शॉपिंग कर रहे हैं तो आप उसी ऐप पर जाकर कस्टमर केयर का नंबर ढूंढने का कोशिश करिए। हर बड़े ऐप पर लिंक दिया हुआ रहता है कॉन्टैक्ट अस सपोर्ट करके। फिर भी अगर आपको गूगल से कस्टमर केयर नंबर निकालना पड़ता है तो उसको अच्छे से वेरीफाई करें, जाँच करें, 1-2 लोगों को दिखा लें कि यह नंबर क्या सही है कि नहीं, और कॉल लगाने से पहले अपने मोबाइल का इंटरनेट बंद कर दें, जिससे कि आप 50-60% सुरक्षित हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपके मोबाइल की एक्सेस किसी को दूर बैठकर चाहिए तो आपके नेट ऑन होना ज़रूरी है। और फिर जब आप कॉल करें और दूसरा व्यक्ति आपसे बात करते वक्त OTP या पिन मांगे, तो आप तुरंत सावधान हो जाएं और कॉल को कट कर दें। फिर अगर आपको दोबारा कस्टमर केयर की तरफ से कॉल आता है तो आप और ज़्यादा सावधान हो जाएं और उस नंबर को तुरंत ब्लॉक कर दें, क्योंकि कभी भी हमको कस्टमर केयर की तरफ से रिटर्न कॉल नहीं आता है, हमेशा हमको ही कॉल करके अपने परेशानी के बारे में बताना पड़ता है। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने पैसे का बचाव करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।